नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले एक नजर 15 सेकंड में खबरों पर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का विशेष जनसंपर्क अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो रहे शामिल। अलग अलग वर्गों के लोगों से करेंगे मुलाकात। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। आंगनवाड़ी सम्मेलन में हर साल कार्यकर्ताओं को इंक्रीमेंट देने का ऐलान। 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा मानदेय। सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेगी सुविधा। कांग्रेस में टिकट को लेकर नया क्राइटेरिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तय किया नया पैमाना। कहा, बीजेपी की गुंडागर्दी को देखते हुए कांग्रेस पावरफुल प्रत्याशी को ही देगी टिकट। नेता प्रतिपक्ष ने रावण से की आरएसएस की तुलना। संघ को बताया षड्यंत्रकारी संगठन। कहा, रावण के 100 पुत्र थे, आरएसएस के 150। बीजेपी शासित हरदा नगरपालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर करवाई एफआईआर। पहले नगरपालिका अध्यक्ष ने अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा का लगाया आरोप। विधायक माधव मारू का धमकाते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में वन अमले को धमकाते दिखे विधायक जी। वायरल वीडियो मनासा विधानसभा के भदाना गांव का। इंदौर पहुंचे सुपर 30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार। खुद के राजनीति में जाने पर बोले, कई पार्टियों से मिल चुका है ऑफर। मुरैना से 2 दिन पहले लापता हुई 3 सगी बहनें ग्वालियर से बरामद। प्रारंभिक जांच में अपहरण की बात गलत, पुलिस कर रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने निशाना साधा बीजेपी पर। कहा, 15 सालों में बीजेपी ने सिर्फ बरगलाकर लिया वोट। अजय चंद्राकर ने नंदकुमार साय पर निशाना साधा। कहा, मुझे सयाजी के इज्जत की चिंता, सायजी के इज्जत की चिंता। उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने दांव पर लगा दी अपनी इज्जत। छत्तीसगढ़ के 5 दिवसीय दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज बलौदाबाजार के भाटापारा में करेंगे सभा। अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। रायपुर में नया भारत उत्सव कार्यक्रम की आज से शुरुआत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आयोजन में शामिल। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा उत्सव। सीएम भूपेश बघेल ने सिंधिया को लिखा लेटर। बिलासपुर को उड़ान 5 योजना से जोड़ने की मांग की। कहा, सरकार ने खर्च किए 45 करोड़, योजना से नहीं जोड़े जाने पर लोगों में गुस्सा। कांग्रेस का रायपुर संभाग सम्मेलन का आज आगाज। बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम समेत सभी बड़े नेता रहे मौजूद। बीजापुर के संतरापल्ली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। बीजापुर विधायक ने कराया पार्टी में शामिल। भूपेश बघेल के विकास कार्यों से प्रभावित होकर दी सदस्यता। कोरबा में कांग्रेस नेता की कार में तोड़फोड़। जान से मारने की धमकी। मामले की जांच जारी। कोनेगांव में 123 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत 12 लाख से ज्यादा। देवास में खुलेआम फायरिंग से हड़कंप। गोलीकांड में गई 2 लोगों की जान। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दतिया में पुरानी रंजिश में फायरिंग। कुछ लोगों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। रामदावरम में सरकारी एम्बुलेंस की सेहत खराब। सेवा दे रहे एम्बुलेंस में सुविधाएं नहीं। मरीजों को हो रही खासी परेशानी। भिंड में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त। पुलिस माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की। बुरहानपुर में बस चालक से बदमाशों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।